Hello everyone and welcome back to Geeks Idea. This is the series on current affairs. Please subscribe to this channel and like share this video as much as you can. So let's start today's current affairs. आज का पहला क्वेश्चन है G7 इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज फॉर्मड इन G7 जो है ये कब बनाई गई 1975 में. मैंने दो दिन पहले भी इसके बारे में बोला था कि इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, वर्ल्ड की सबसे वेल्दीएस्ट कंट्री जो है वो इसमें इंक्लूड है, वो कौन कौन सी है उनका नाम लिखे. कनाडा ने इसको ज्वाइन किया था 76 में और यूरोपियन यूनियन इसको इसकी मीटिंग को अटेंड करते हैं 77 से. इसको एक्चुअली पहले बोलते थे G8 लेकिन रशिया को निकाला गया 2014 में क्योंकि यूक्रेन क्रीमिया का जो वार रिलेट वो इशू हुआ था उसकी वजह से. जो ये न्यूज़ में इसलिए था, इसकी समिट जो होने वाली थी वो पोस्टपोन की गई और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी बोला इसको एक्सपेंड करेंगे G7 से G10 या G11 बनाएंगे, यानी कि इसमें और कंट्रीज इंक्लूड करेंगे. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की वजह से के थ्रू बुलाया गया बाय डोनाल्ड ट्रंप. जो G7 कंट्रीज है ये सारी की सारी G20 में भी आती है. G20 का मेंबर इंडिया भी है. तो G20 में कौन कौन आते हैं ये मैंने एक दिन पहले भी पूछा था. इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? June 2 को. द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया इंडिया में 637,500 सेक्स वर्कर्स अभी मौजूद है. ये एक्चुअली जो राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स है उनसे रिलेटेड ये डे मनाया जाता है. ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था ये हुआ था फ्रांस में स्टार्ट. 10 सेक्स वर्कर्स ने आंदोलन स्टार्ट किया था. आपको बताना है फ्रांस में किस जगह. बीमल जुल्का कमेटी किससे एसोसिएटेड है? यह है फिल्म मीडिया से एसोसिएटेड. जो फिल्म मीडिया जो मूवीज वगैरह बनती है उनसे रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन देनी होती है वो देती है बीमल जुल्का कमेटी. वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है June 3 को ताकि बाइसिकल्स को प्रमोट किया जाए और कार्बन जो पोल्यूशन हो जाता है और कार्बन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में उसको रोका जाए. 2018 से मनाया जाता है. दिस इज सेलिब्रेटेड एज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ लेजक सिविलिस्की क्रूसेड. आपको बताना है ये क्या है. नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 इज टू बी फॉर्मुलेटेड बाय. एक साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, ये कौन फॉर्मुलेट करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. COVID-19 से हम जेल रहे तो उससे रिलेटेड इसमें स्टेप्स होंगे. द पॉलिसी इज टू बी फॉर्मुलेटेड इन 4 इंटरलिंक्ड ट्रैक्स. ये 4 फेज में बनाई जाएगी. इट विल बी द 5th साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी. COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल किसने लॉन्च किया? ये किया था लॉन्च WHO ने. कोस्टरिका इसके साथ इसलिए है क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये इनिशिएटिव प्रपोज किया था. कोस्टरिका का जो प्रेसिडेंट है उसने ये इनिशिएटिव प्रपोज किया था. इसमें मिल जाएगी नॉलेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर ग्लोबल कम्युनिटी. किससे रिलेटेड? COVID-19 से रिलेटेड. आपको बताना है कोस्टरिका की कैपिटल क्या है और ये किस कंटिनेंट में आ जाता है. दिल्ली कोरोना ऐप रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय अरविंद केजरीवाल. ये किससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन देगा? ये देगा इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड्स एंड वेंटिलेटर्स, यानी कि दिल्ली में कितने वेंटिलेटर और हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल है. अगर हमें इसके बारे में जानना होगा तो हमें कॉल करनी चाहिए 1031 पे. और दिल्ली में इस टाइम 302 वेंटिलेटर्स है जिसमें से 210 वैकेंट है. ये इंफॉर्मेशन दो दिन बाद अपडेट होती जाएगी. कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है इसको रिनेम किया जाएगा. उसका नाम क्या रखा जाएगा? श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट. श्याम प्रसाद मुखर्जी कौन थे? जिन्होंने भारतीय जनता संघ पार्टी बनाई 1951 में, यानी कि प्रेडिसेसर ऑफ बीजेपी. बीजेपी का पहला नाम भारतीय जन संघ था. इंडिया में एक टनल का नाम इसके नाम पे रखा गया. आपको बताना है उस टनल का नाम क्या है. हु इज द हेड ऑफ कमिटी अपॉइंटेड बाय पीएम मोदी फॉर MSME लोन स्कीम इंप्लीमेंटेशन. आपको पता है जो आत्मनिर्भर स्कीम है जो 20,000 लाख करोड़ दिए गए उसमें से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को बहुत सारा पैसा दिया गया. तो MSME लोन स्कीम कितनी थी? 3 लाख करोड़. उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका हेड बनाया गया राजनाथ सिंह. हु इज द MD एंड CEO ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज? राजीव श्रीवास्तव. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लार्जेस्ट एक्सचेंज है इंडिया में. ये इसने रिसेंटली रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. किन के लिए? डिस्कॉम्स के लिए, ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करे वहाँ पे.
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टार्टअप्स इकोसिस्टम रैंकिंग, यानी कि यहाँ पे स्टार्टअप खोलना कितना आसान है उसके रिलेटेड रैंकिंग है। ड्रॉपड 6 प्लेसेस टू 23। बेंगलुरु ने भी 3 स्टार्टअप्स ड्रॉप किए और वो 14 पे आ गया। दिल्ली आ गया 15 पे। इंडिया की खाली चार सिटीज इसमें टॉप 100 लिस्ट में आ गई, उन सिटीज का नाम बताइए। दो, एक तो यहाँ पे बेंगलुरु दिल्ली भी मैंने बताया, और दो कौन सी है। ये जो रिपोर्ट देती है ये देती है स्टार्टअप ब्लिंक। पीएम मोदी ने रिसेंटली चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। इस चैंपियंस पोर्टल में जो एम है इसका मतलब क्या है, इसकी पूरी एब्रीवेशन है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो एम का मतलब है मॉडर्न। ये वन स्टॉप प्लेस फॉर एमएसएमई सेक्टर है, यानी कि ग्रीवेंसेस जो भी इशू होगा एमएसएमई सेक्टर का वो यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। पी नामग्याल वाज 3-time कांग्रेस मेंबर फ्रॉम कांग्रेस एमपी फ्रॉम, ये रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, तो ये लद्दाख से थे, डाइड एट द एज ऑफ 83। विच स्टेट सेलिब्रेटेड द 86th फॉर्मेशन डे एनिवर्सरी ऑन जून 2, यानी कि एक स्टेट बनाई गई जून 2 पे, वो कौन थी, तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में बनाई गई, ये 29th स्टेट बन गई इंडिया की। ये किससे कार्व आउट की गई, यानी कि ये पहले किस स्टेट के साथ है फिर उससे अलग की गई। द बुकलेट वन ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया वॉज रिलीज बाय, एक बुकलेट बनाया गया इस वन ईयर ऑफ मोदी 2.0 गवर्नमेंट पे। ये 92 पेज बुकलेट है, ये किस मिनिस्ट्री ने रिलीज की, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मिनिस्टर कौन है। वी ट्रांसफर वॉज रिसेंटली बैंड इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड जो भी URL हो उनको बैन किया गया नेशनल इंटरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ये कहाँ की ऐप है, नेदरलैंड्स। ये बनाई गई थी 2009 में। विच एट अमेज़ॉन सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ ई कॉमर्स, आंसर है येलो लेबल ATMs। ऑरेंज लेबल ATM जो भी है वो शेयर करते हैं ट्रांजेक्शन, वो किसके लिए बनाते हैं, पर्पज फॉर शेयर ट्रांजेक्शन। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।